नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम। बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उनके ये परिवार के लिए अभी भी ये जख्म हरा है, क्योंकि वक्त बेवक्त उनका परिवार उन्हें याद करता हुआ नजर आ ही जाता है। चाहे वो उनके पति हो या फिर उनकी बेटियां हो, उन्हें अक्सर याद करते ही रहते हैं। और ऐसे में श्रीदेवी से जुड़े कई किस्से और कहानियां बॉलीवुड में लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में इंडियन आइडल 12 की सेट पर पहुंची जया प्रदा ने भी श्रीदेवी को लेकर कई खुलासे किए थे और इसके बाद अब उन्होंने अमिताभ और श्रीदेवी से जुड़े कई राजों का खुलासा किया है। क्या है ये राज, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। और इस रिपोर्ट में हम साथ ही साथ आपको बोनी कपूर और श्रीदेवी के लव स्टोरी के बारे में भी बताएंगे, तो चलिए विस्तार से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने पटाखों की वजह से हाथ जलने के बावजूद फिल्म शराबी के गाने दे दे प्यार दे की शूटिंग की थी। इस बारे में फिल्म की एक्ट्रेस जया प्रदा ने खुलासा किया। हाल ही में जया सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 की सेट पर गेस्ट बनकर पहुंची थी। इंडियन आइडल के सेट पर जया प्रदा ने पुरानी यादों को शेयर करते हुए बताया कि कैसे अमिताभ बच्चन ने चोट लगे हाथ को जेब में रख कर फिल्म के गाने पर डांस किया था। इंडियन आइडल 12 के सेट का जया का एक वीडियो सोनी टीवी के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया, जिसमें वो कहती हुई सुनाई दे रही हैं, दे दे प्यार दे के पीछे अमिताभ की एक कहानी है। अमिताभ एक लीजेंड हैं, उन्हें पता है कि सिचुएशन का कैसे फायदा उठाना है। पटाखे से उनका हाथ जल गया था, उन्होंने हाथ को जेब में रख कर बड़े स्टाइल से गाना शूट किया था। आपको बता दें कि जब फिल्म शराबी रिलीज हुई थी, उस वक्त हर किसी को लगा कि एक हाथ में जेब रखना अमिताभ का स्टाइल है, लेकिन उनका हाथ पटाखे से जल गया था, जिसका इलाज काफी लंबा चला। इसके अलावा जया प्रदा ने दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी इंडियन आइडल 12 की सेट पर बात की। जया और श्रीदेवी ने फिल्म औलाद और आखिरी रास्ता जैसी फिल्मों में साथ काम किया। जया ने बताया कि असल जिंदगी में दोनों दोस्त नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं लकी हूँ कि ये बात मैं कह सकती हूँ, हमारे पास एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ इतना है कि हमारी केमिस्ट्री कभी मेल नहीं खाती थी। पर्दे पर परफेक्ट बहने होने के बाद भी हम एक दूसरे के साथ कभी भी बात नहीं करते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, चाहे वो कपड़ों की बात हो या डांस की। जया प्रदा ने आगे कहा था, मुझे आज भी याद है कि फिल्म मकसद की शूटिंग के दौरान जीतू जी और राजेश खन्ना ने श्रीदेवी और मुझे मेकअप रूम में 1 घंटे के लिए बंद कर दिया था। उन्हें लगा कि अगर वो हमें एक साथ बंद कर देंगे तो हम एक दूसरे से बातचीत शुरू कर देंगे, लेकिन हम दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। हम दोनों सुपरस्टार्स की मेहनत पर पानी फेर दिया था। आज वो नहीं है तो उनकी कमी परेशान करती है, मैं उसे बहुत याद करती हूँ। और इस मंच के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर वो कहीं मेरी बात सुन रही हो तो मैं सिर्फ कहूँगी कि काश हम एक दूसरे से बात कर पाते। आपको बता दें कि सुपरस्टार श्रीदेवी का निधन साल 2018 में दुबई में हुआ था। वहीं अगर अब बात करें श्रीदेवी और बोनी कपूर की लव स्टोरी की, तो श्रीदेवी ने 54 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। श्रीदेवी ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की थी। दोनों की प्रेम कहानी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। बोनी कपूर ने साल 1996 में अपनी पहली पत्नी से तलाक लेकर श्रीदेवी से शादी की थी। कहते हैं कि फिल्म 16 सावन में श्रीदेवी को देखते ही बोनी का दिल उन पर आ गया था, लेकिन उस वक्त ये प्यार केवल एक तरफा था जो बोनी कपूर की तरफ से था। इन दोनों का प्यार फिल्म मिस्टर इंडिया के दौरान परवान चढ़ा था। 1970 के दशक में जब श्रीदेवी तमिल फिल्म कर रही थी, उस समय बोनी खास उनसे मिलने चेन्नई गए थे, लेकिन श्रीदेवी शूटिंग के सिलसिले में बाहर गई थी और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को स्वीकार किया था कि वो शादी से काफी पहले से श्रीदेवी को पसंद करते थे। बोनी कपूर ने बताया था कि उन्होंने मिस्टर इंडिया के लिए श्रीदेवी को इम्प्रेस करने की मुंह मांगी कीमत से भी ज्यादा पैसे दिए थे। बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी की मां ने फिल्म के 10 लाख रुपए के पारिश्रमिक की डिमांड कर दी थी। उस समय श्रीदेवी तो क्या किसी भी हीरोइन को एक फिल्म को इतने पैसे नहीं मिलते थे, फिर भी बोनी कपूर ने उन्हें 11 लाख रुपए दिए थे। बोनी की पहली शादी मोना शौरी कपूर से हुई थी। मोना और बोनी के 2 बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर हैं। मोना से तलाक के बाद बोनी ने श्रीदेवी से शादी कर ली थी। श्रीदेवी और बोनी की 2 बेटियां जाह्नवी और खुशी कपूर हुई। 1996 में बोनी ने श्रीदेवी से शादी की। ऐसा कहा जाता है कि श्रीदेवी उस वक्त प्रेग्नेंट थी। बोनी और श्रीदेवी की लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। बोनी कपूर ने पहली ही
आज बोनी कपूर ने पहले ही श्रीदेवी को प्रपोज कर दिया था, लेकिन श्रीदेवी उन्हें भाव नहीं देती थी। उस वक्त बोनी अपने छोटे भाई अनिल कपूर को लेकर फिल्म मिस्टर इंडिया बना रहे थे। इस फिल्म में वो श्रीदेवी को लेना चाहते थे, लेकिन उन तक पहुंचने का उन्हें कोई जरिया नहीं मिल रहा था। बोनी ने श्रीदेवी की माँ से संपर्क किया। श्रीदेवी की माँ ने फिल्म के लिए ज़्यादा पैसों की डिमांड कर दी। बोनी कपूर फीस के लिए मान गए और इस तरह फिल्म में श्रीदेवी ने काम किया। एक समय ऐसा आया जब श्रीदेवी की माँ बीमार हो गई और उनका लंबा इलाज चला। उस मुश्किल दौर में बोनी ने श्रीदेवी का खूब साथ दिया। कहा जाता है कि श्रीदेवी की माँ की बीमारी और फिर उनके निधन के दौरान दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी थी। इस तरह उनका रिश्ता सहानुभूति से शुरू हुआ और प्रेम में बदल गया। बोनी कपूर ने अपनी उम्र से 8 साल छोटी श्रीदेवी को प्रपोज किया। दोनों की शादी बहुत निजी तरीके से हुई थी। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बोनी अब अपनी दोनों बेटियों के साथ रहते हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।